कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। आपको बता दें कि तबादला नीति के विरोध में आने वाली 15 जनवरी को बातचीत होनी है। यदि बातचीत सफल रही तो ठीक, अन्यथा आंदोलन और भी तेज होगा। ये कहना है बिजली निगम के कर्मचारियों का। उनका कहना है कि दिन रात मेहनत कर निगम को घाटे से उभारा है, इनाम के रूप में उन्हें तबादला मिला है जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तकनीकी पहलुओं पर गौर नहीं कर रही है जिसका खामियाजा निगम के कर्मचारी और आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। सेक्टर 12 स्थित बिजली निगम के कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी एकता को जिंदाबाद बताया। उन्होंने चेताया कि आंदोलन के चलते वह मरने और मारने को तैयार हैं। सड़क पर भी उतर सकते हैं, ब्लैकआउट भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मंशा उपभोक्ताओं को परेशान करने की नहीं है, जबकि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। करनाल की तीनों यूनिट के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एवं ऑनलाइन ट्रांसफर नीति को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में वह बिजली का ब्लैकआउट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी संगठन से जुड़े कर्मचारी मौजूद रहे। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों मैं हूं तरुण मदान, आपको समझे गए समाचार एक्सप्रेस में। आपको बता दूं कि समय मैं मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 में बिजली निगम के कार्यालय के बाहर। मेरे साथ देख सकते कितने सैकड़ों की संख्या में यहां पर कर्मचारी मौजूद है, जो कर्मचारी एकता के कर्मचारी एकता के नारे लगा रहे हैं और सरकार की जो तबादला नीति है उसके विरोध में ये यहाँ पर पिछले कई दिनों से डटे हुए। उनका ये कहना है कि जब तक तबादला नीति को वापस नहीं लिया जाता, उस काले कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। आज जो इनका प्रस्तावित एजेंडा है, इस पर एजेंडे के तहत आज यहाँ करनाल के निगम में मौजूद तीन एक्शन के समक्ष रोष अपना प्रदर्शन करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानती वो पीछे नहीं हटेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद कर्मचारी नेता, सर तबादला नीति के विरोध में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है तबादला नीति के बारे में कि जो सरकार ने ये नए नए कानून डेली लागू कर रही है, कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार कर्मचारियों की मांगों को, जो असलियत में मांगें पड़ी हैं, ग्रीवेंसेस कर्मचारियों की पड़ी हैं, उनसे ध्यान भटकाकर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का एक रास्ता अपनाया सरकार ने। क्योंकि हम आप मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाहते हैं, हमारा जो बिजली का कार्य होता है दूसरे विभागों से हटकर होता है। हमारा जो कर्मचारी जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उसको सारी लाइनों का पता होता है, कौन सी लाइन कहाँ से चलती है और कहाँ तक वो पहुँची हुई है। सर आप इतने दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, सरकार से आपकी कोई बातचीत हुई? आपके किसी आला अधिकारी ने आपकी बात को आगे पहुँचाने का काम किया? अभी जो हमने 3 दिन के लिए अपने सब डिविजनल सत्र पर गेट प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन किया था, गेट मीटिंग, रोष प्रदर्शन, और इसी प्रकार से आज हमारे केंद्रीय परिषद के आह्वान पर हमारे जो एक्शन जो हमारे अभियंता होते हैं उनके मतलब जो ना ऑफिस कर हमने गेट मीटिंग रोज प्रदर्शन का आह्वान दिया है। और इसी आधार पर सरकार ने, बोर्ड मैनेजमेंट ने हमारे सीनियर साथियों को, हमारे जो प्रधान होते हैं प्रांतीय प्रधान जी को, महासचिव जी को पत्र लिखकर बकायदा 15 तारीख को मीटिंग के लिए बुलाया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस नीति के बारे में? जो सरकार ने जो हमारे कर्मचारी जेई व क्लरिकल की जो बदली की है वो सरासर गलत की है, क्योंकि हमारा टेक्निकल महकमा है, बिजली का ऐसा काम है जो फौज हमारी उस पर बैठी है उससे भी खतरनाक है। फौजियों को दिख जाता है कि दुश्मन सामने से आ रहा है, लेकिन बिजली की जो हमारी तारे हैं उनके अंदर ये नहीं दिखता बिजली कहाँ से आ जाए। और जो हमारे एक साथियों ने बड़ी मेहनत के साथ निगम को प्रॉफिट में पहुँचाया है, और आज निगम की मैनेजमेंट जो कर्मचारियों ने प्रॉफिट में पहुँचाया उनको दर बदर उनकी ट्रांसफर नीति लागू करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिन्होंने निगम को घाटे से उबारा उन्हीं को ही तबादले में ले दिया। इनका ये भी कहना है कि जो हमारे सेना के जवान हैं उनको तो सामने से आता हुआ दुश्मन दिखाई दे जाता है, लेकिन जो इनका दुश्मन है, जो बिजली है, वो पता नहीं कहाँ से निकला, इनके बारे में सबको उनको पता। सर आपका क्या कहना है? हम तो सरकार को चेताना चाहते हैं, पहले भी आप 3 दिन हमारा प्रोग्राम चलाया था ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में। पिछले कई सालों से हमारा बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा था, कर्मचारी दिन रात मेहनत करके सिस्टम को सुधारा है, सारे गांव में जगमग योजना को लागू कर रहा है जैसे सरकार की नीतियां थी। अब आज सरकार ने हमारे से
विभाग को घाटे में से उभारने के बाद अब बिजली कंपनी को दूसरी कंपनी प्राइवेट कंपनी को टाटा वगैरह बेचने के लिए इनकी कोशिश कर रहे हैं, उसका कर्मचारी पुरजोर विरोध करता है। इनका भी ये कहना है कि सरकार जो है पूंजीपतियों को टाटा जैसी कंपनियों को देना चाहते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस नीति के बारे में? ये तबादला नीति एक ऐसी नीति है, इससे जो भी यहाँ जय फोरमैन एरिया में आते हैं तबादला हो गए, उनको एक डेढ़ साल तो लाइनों के बारे में पता नहीं होता है लाइन कौन सी, ऐसे एक्सीडेंट की रेशो बहुत बढ़ेगी। और ये पहले हमारा बिजली बोर्ड कह रहे थे घाटे में, अब तो बिजली बोर्ड इतने प्रॉफिट में है, इन सभी को पता है ये प्रॉफिट में लेके इसको जगमग हो गया, 24 घंटे गांव में बिजली जा रही है, इससे एक प्राइवेट कंपनी को देने को उछारू हो रहे हैं और हमारे तबादला नीति को ये रद्द करने के हमारी ये कहना है कि अगर तबादला नीति चलती रहती है तो एक्सीडेंट की जो संख्या है वो बढ़ संभावनाएं बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इनको एक से एक या डेढ़ साल की मेहनत के बाद इनको हर चीज का पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या फॉल्ट है, कैसे इसको ठीक करना है, लेकिन नई जगह पर जाने के बाद इनको फिर साल से डेढ़ साल तक ये इन चीजों को सीखना पड़ेगा, हर लाइन को समझना पड़ेगा। सर आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना ये है, जो सरकार ने जो ये ट्रांसफर पॉलिसी लाई है ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, सरकार जो है बिजली बोर्ड को बिल्कुल ही निजी हाथों में देने के लिए उनकी एक सोची समझी साजिश है, ये उनकी ये साजिश है। पहले ये सिर्फ जेई एलडीसी और यूडीसी को छेड़ रहे हैं ताकि इस पर पूरा वो हो जाए, तो उसके बाद ये टेक्निकल स्टाफ को छेड़ेंगे, इससे ये इनकी एक बहुत सोची समझी साजिश है, ये बिजली बोर्ड को निजी हाथों में देने के लिए पूरी तैयारी कर बैठे हैं। सर आपका ये कहना है कि आपने इसको निगम को घाटे से उबारा, घाटे का उबारने के बाद आपको उपहार स्वरूप सरकार ने तबादला नीति दे दी। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस वालों को आपका धन्यवाद करता हूँ साथियों, कि आप समय समय पर हमारे बीच में आकर हमारी ग्रेंसी सुन के और सरकार तक पहुंचाते रहे साथियों। पिछले जो हमारे 3 दिन का प्रदर्शन रहा, आपने हमारी सभी बातें सुनी और आपके माध्यम से ये बातें सरकार तक भी पहुंची। आज मैं दोबारा यही बात कहना चाहता हूं, जो आप अभी आपने क्वेश्चन किया है, कर्मचारी पिछले 4 सालों से संघर्ष करके अपने काम करके अपनी ड्यूटी को पूर्णतः सही ढंग से निभाने के बाद महकमे को लाभ मिल गया है। पहले निगम 600 करोड़ के नुकसान में चल रहा था उत्तर, 800 करोड़ के नुकसान में दक्षिण हरियाणा चल रहा था, और आज दक्षिण हरियाणा उत्तर हरियाणा आज 4 साल से पिछले प्रॉफिट में चल रहा है। इसका इनाम ही दिया है सरकार ने हमें कि भाई ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू कर दी है, घाटे से उबारने का इनाम इनको तबादले के स्वरूप में मिला, यही रोष इनके मन में है, यही टीस इसके मन में है, इनके मन में है कि दिन रात मेहनत करने के बाद इन्हें उपहार में क्या मिला, वो मिली ऑनलाइन ट्रांसफर नीति, किसी को कहीं से मर्जी तबादला कर दे। इनका ये भी कहना है कि उससे जो है एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएंगी। नरवाल साहब आप बताइए, अगर ये तबादला नीति या काला कानून जिसको आप कह रहे हैं ये रद्द नहीं होता तो आपकी आगामी रणनीति क्या हो? हम मारने या मरने वाले आदमी हैं, अगर सरकार ने हमारी या मैनेजमेंट ने हमारी बात नहीं मानी तो हम सड़कों पे भी उतरने के लिए तैयार है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, पूरा ब्लैकआउट करने के लिए भी तैयार है। सिर्फ हम इसलिए रुके हुए कि कंज्यूमर जो हमारे कंज्यूमर है उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए, हम इसलिए सिर्फ ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ कर रहे हैं। देखिए इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, ये मरने और मारने के लिए भी तैयार खड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ उपभोक्ताओं की सोच रहे हैं, ये ब्लैकआउट तो कर सकते हैं लेकिन उपभोक्ता परेशान ना हो इसके लिए ये इस तरह कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते। सर आप क्या कहना चाहेंगे अगर ये आपकी मांग नहीं मानी जाती? ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो जो सेंट्रल काउंसिल हमारे को आदेश देगी हमने उस पर चलना है। हमारी जो कर्मचारी कहते हैं कि भाई हमारी तो जो ये पॉलिसी है इसको रद्द किया जाए, और जो कर्मचारी जहाँ काम कर रहा है वहीं काम करना चाहिए, जो दूसरी जगह लगाओगे उसमें हर टाइम खतरे का काम होता है हमारा 24 घंटे। हम तो यही कहते हैं हमारे कर्मचारी जहाँ काम करें वहीं लगाना, कर्मचारी जहाँ काम करें उनको वहीं करते रहना देना है, उनको ना छेड़ें, नहीं तो दुर्घटनाओं की संभावना प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। ये सरकार के को नहीं समझ में आ रहा, जो सरकार है वो उनके टेक्निकल पहलुओं को नहीं समझ पा रही। सर अब आपसे यही सवाल है, आपका ये कहना है कि जब तक आप जो ऊपर से आदेश आएगा, जो आपके सेंटर यूनियन है उसका जो आदेश आएगा उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि वो किस तरह का आदेश दे सकते हैं, और आपको ये क्या ये ऐसा लगता है कि सरकार आपकी बात सुनने को तैयार है या नहीं, या आपका जो मैसेज सरकार से गया उसका कोई उचित परिणाम सामने आया अभी तक? देखिए आप लोगों ने पीछे जैसे हमने सब डिवीजन सत्र पर 3 दिन के लिए गेट मीटिंग रोज प्रदर्शन किया था, उसी प्रकार से आज हमारा गेट मीटिंग रोज प्रदर्शन तीनों कार्यालय हमारे जो कार्यकारी अभियंता हैं उनके ऑफिसों पर आज हमारा गेट मीटिंग रोज प्रदर्शन किया जा रहा है, और आप लोग हमारे जो समाचार एक्सप्रेस बार बार हमारे बीच में आकर हमारी सरकार तक मांग पहुंचाते हैं, उसी के आधार पर सरकार ने हमारे सीनियर नेताओं को, हमारे प्रांतीय प्रधान श्री विजेंद्र बेनीवाल जी और
मास चीफ श्री सुनील खटाना जी को बकायदा पत्र लिखकर 15 तारीख के लिए बोर्ड मैनेजमेंट ने मीटिंग के लिए बुलाया है। और हम उम्मीद करते हैं भाई हरियाणा सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट इस बात को, जो कर्मचारियों में रोष है, इस बात को जरूर मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो कोई ना कोई हमारी सेंट्रल काउंसिल का कोई सख्त आदेश आएगा और इस सरकार के खिलाफ जो सरकार को घुटनों के बल चलाने के काम करेगा, चाहे वो भूख हड़ताल का आदेश आए, चाहे वो किसी प्रकार का भी रोष प्रदर्शन आए, वो हमें सर्वमान्य होगा। दोस्तों अब आपने सुना किस तरह से इन्होंने बताया हमारे को कि किस तरह से एक्शन, तीन एक्शन है करनाल में, उनका भी उनके सामने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इंतजार रहेगा 15 तारीख की इनकी मीटिंग का, 15 तारीख की इनकी मीटिंग का, उसके बाद 15 तारीख की मीटिंग में क्या नतीजा निकलता है, उसके बाद जो आगामी आदेश आएंगे उनके उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने इनका रोष भी देख लिया, आपने इनका जोश भी देख लिया, इनका ये भी कहना है कि ये ब्लैकआउट भी कर सकते हैं, सड़कों पर भी आ सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ये इस काले कानून को ये भी नहीं मानेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जिस तरह से तीन काले कृषि कानूनों के विरोध में संघर्ष चल रहा है, किसान आंदोलन है, बिजली निगम के कर्मचारी भी आंदोलन पे आ रहे हैं, सर आपको भी 15 तारीख का इंतजार रहेगा? बिल्कुल 15 तारीख का इंतजार रहेगा। आज तो ये जो आप हमारे तीनों यूनिट के कार्यक्रम बनता है, तीनों यूनिट स्तर पर ही ये प्रदर्शन है और आप देख रहे हैं कि आज कितना जोश है कर्मचारियों में, कितनी भीड़ है कर्मचारियों में। आने वाला समय जो 15 तारीख के बाद अगर जो सरकार नहीं मानती, हमारे राज्य प्रधान बेनीवाल जी, हमारे महासचिव खटाना जी जैसे हमें आदेश करेंगे, चाहे वो भूख हड़ताल का है, चाहे वो धरने का है, चाहे किसी प्रकार के रोष प्रदर्शन का है, डीसी को ज्ञापन देने का है, चाहे वो हमें बिजली बंद करने का है, जैसा आदेश आएगा हम अपने राज्य प्रधान और राज्य के महासचिव के आदेश पर बिल्कुल पूर्णतः खड़े उतरेंगे और धन तन मन धन से उनके आदेश का पालन करेंगे। जय वर्कर, जय यूनियन। सर अब आप देख सकते हैं इनका ये कहना है, इनका ये कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, ये कानून के विरोध में भी ट्रेलर है, पिक्चर 15 तारीख के बाद क्लियर होगी। अगर मीटिंग कामयाब रहती है तो ठीक, उसके बाद अगर मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलता तो इनके सीनियर अधिकारियों के बाद, इनके सीनियर अधिकारियों के द्वारा इन्हें जो आदेश दिया जाएगा उसी के अनुसार ये अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे, चाहे सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे सरकार को ज्ञापन सौंपना पड़े, चाहे ब्लैकआउट करना पड़े, ये हर काम के लिए तैयार है, लेकिन इस कानून को मानने को तैयार नहीं है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.